शनासा टीवी न्यूज के साथ कैसे दिलावर जदून शामिल करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद बुरहान में होने वाली डकैती की वारदातों का ड्रॉप सीन। चंद रोज कबल तहसील हसन अब्दाल के नवाई गांव बुरहान में दो चार दिनों के वक्फे से डकैती की तीन संगीन वारदातें पेश आईं, जिनमें डकैत गन पॉइंट पर लाखों रुपए की नकदी, सोना और मोबाइल लेकर फरार हो गए। चंद दिनों में तीन वारदातें होने पर अहले इलाका में खौफ की लहर दौड़ गई। थाना सदर हसन अब्दाल की पुलिस ने इन तीन संगीन वारदातों के मुलजमान को जदीद साइंटिफिक तरीके तफ्तीश को ब्रुए कार लाते हुए ट्रेस कर लिया और जान हथेली पर रखकर मुलजमान का मुकाबला किया। मुकाबले के दौरान तीन डकैत हलाक जबकि एक शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता रोज DPO अटक खालिद हमदानी ने तहसील हसन अब्दाल के नवाई इलाके बुरहान का दौरा किया, जहां इन्हें हाजी रफाकत सबका नाजम बुरहान के डेरे पर ठहराया गया। डेरा पर एहलियान बुरहान की कसी तादाद मौजूद होने पर एहलियान बुरहान की तरफ से डकैतों के इतने मुख्तसर वक्त पर पकड़े जाने पर हाजी रफाकत सबका नाजम बुरहान ने DPO अटक खालिद हमदानी, DSP राजा फयाजुल हक, SHO थाना सदर हसन अब्दाल, नियाज खान, ASI इंचार्ज चौकी बुरहान जावेद खान और दीगर मिब्रान जानजेब खान, सगीर खान और तमाम पुलिस और एलियट फोर्स के अहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने दिन रात की अनथक मेहनत और कोशिशों से बैन सूबाई डकैत ग्रोह का मुकाबला किया और उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाया। इस मौके पर DPO अटक खालिद हमदानी ने कहा कि मुजरम चाहे जितना भी चलाक और होशियार हो, कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। कैमरामैन हसाम अली के साथ कैसे दिलावर जदून शनासा TV हसन अब्दाल। हम रखते हैं आपको इलाके भर की हर खबर से बाखबर। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के लिए वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और बेल आइकन दबा दें। शनासा TV रखे आपको हर खबर से बाखबर।